कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों से पलायन करके अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए फिलहाल सरकार की मनरेगा योजना ही महज एक सहारा है। शहरों से बेरोजगार हुए श्रमिक गांव में जाकर मनरेगा के तहत काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। और इसी पर हमारी टीम ने बुलंदशहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि किस तरह से इस कोरोना ने शिक्षित वर्ग को भी मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना संक्रमण के चलते देश में जारी लॉकडाउन ने पूरे देश में बेरोजगारी की इतनी बड़ी खेप खड़ी कर दी है कि देश का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहा। और इस लॉकडाउन के चलते केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि कोरोना काल में शिक्षित वर्ग पर भी बेरोजगारी की खूब मार पड़ी है। लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से अपने गांव की ओर कूच करने वाले मजदूरों को सरकार की मनरेगा योजना से बहुत आस बंधी है। जब हमारी टीम बेरोजगारी की पड़ताल के लिए बुलंदशहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहां हमारे सामने जो सच आया वो न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि यह साफ कर देने वाला था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हमारी टीम ने यहां पाया कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वाले पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हमारी टीम को बुलंदशहर के जुनेदपुर ग्राम पंचायत में चल रही मनरेगा की साइट पर कई ऐसे बेरोजगार मिले जिन्होंने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए यूं तो खूब पढ़ाई की, मगर भारत को कई जख्म देने वाले कोरोना की वजह से इनका परिवार भी इस कदर आर्थिक दिक्कतों से जूझने लगा कि मजबूरन इन लोगों को अपनी डिग्री डिप्लोमा रखकर फावड़ा उठाना पड़ा। नरेगा में काम कर रहे हैं सर, एक झाड़ी मिलती है 201 रुपए। हाँ जी, कितनी जी? बीबी क्या है? बीबी है क्या? हाँ जी बीबी के। तो बीबी है क्या, तो फिर यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, जॉब नहीं मिली, जॉब मिलती है 6-7 हज़ार रुपए की जॉब मिलती है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिली, फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब, जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला, ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला उसमें आके लग गए, क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। तो बीबीए करके नौकरी छोड़ के अब यहाँ मजदूरी कर, यहाँ पे मजदूरी कर, तो कितना बस पढ़ पाता है टोटल, कितना मतलब एक रोज में कमा ले रहे हो? सर ये 201 रुपए मिल पाते हैं, लेबर ज्यादा है, सबको काम मिल रहा है, सबको ऐसे मिल रहा है, बस 201 रुपए। करना क्या क्या पड़ता है यहाँ? सर यही है जो प्रधान जी बोलते हैं, जैसे कि किसी चक्रोड पे मट्टी डालनी है तो मट्टी डालते हैं, जहाँ कोई सफाई होती है वहाँ सफाई करते हैं, जहाँ कोई नाला खोदता है वहाँ नाला खोदते हैं, फिर कहीं अच्छी सी जॉब लगेगी अच्छे से ऑफिस में जाएंगे वहाँ जॉब करेंगे। हाँ जी यही करते हैं। अभी मजदूरी यहाँ तो यही है, जो रास्ता पड़ता है तो उस पर मट्टी डाल देते हैं, कोई नाला खोदता है खुद दे, कहीं सफाई होती है के तहत जी मिलते हैं, इसमें 202 रुपये मिलते हैं। कितनी सुरजीत तुमने पढ़ाई की है? एम ए बी एड जी मेरी। एम ए बी एड जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो? ये मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए जी नहीं पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़िए और कभी जॉब देखते, कहीं उससे लॉकडाउन लग गया इसकी वजह से गांव में कहा हम चल रहा नरेगा का उसमें काम, पढ़ाई लास्ट ईयर ही कम्प्लीट हुई है जी, नहीं मिल पाई। फिर क्या दिक्कत आई? लॉकडाउन हो गया जी। मजदूरी 101 रुपये मिलते हैं 2 घन मट्टी निकालने के, एम ए मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे, उससे पहले भी करते थे कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। तो अभी कितने पैसे मनरेगा से मिल जाते हैं आप? ये दो मिल जाते हैं 402 रुपये, दो लोगों को 402 मिलते हैं, एक को 200, कितने मिलते हैं एक आदमी को? एक आदमी को 2 घन मीटर मट्टी के 201 रुपये मिलते हैं, अगर काम और दिया जाता है तो 400 रुपये मिल जाते हैं। लॉकडाउन के बाद तो लेबर भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको तो फिर 201 का ही काम मिल पाएगा जी, अब तो यही हो रहा है जी, और लेबर बढ़ने पे ही है। मनरेगा के तहत चक्रोड बना रहे बीए बीबीए और एमए जैसी डिग्री डिप्लोमा धारक इन मनरेगा मजदूरों की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन से पहले
इनमें से कुछ लोग तो अलग अलग शहरों में स्थित निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जबकि कुछ पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में थे। मगर इस बीच देश में लगे लॉकडाउन ने न सिर्फ इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया बल्कि इन्हें पूरी तरह बेरोजगार कर दिया। और 2 जून की रोटी के लिए मजबूरन अब इन जैसे कई शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वापस गांव आकर मनरेगा के तहत मजदूरी करनी पड़ रही है। ग्राम प्रधान और सचिव की ओर से भी दावा किया गया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके जैसे दर्जनों डिग्री डिप्लोमा धारक महज 200 और 250 रुपए की दिहाड़ी पाने के लिए हर रोज मनरेगा में मजदूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिन्हें नियमानुसार कार्य देने की योजना तैयार की जा रही है। सच्चाई की बात है साहब इनकी, ये अच्छा। सब लोग परेशान हैं, जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गांव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई, मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। ये सर लगभग हमारे यहाँ जो कार्य चल रहा है, एक कार्य मतलब एक खड्डा खोदने का 201 रुपए की मजदूरी ने पड़ती है। पहले हमारे यहाँ लगभग 10-20 आदमी थे जो लेबर के थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जब अब कार्य चला है तो अब हमारे यहाँ करीब 100 से पार लेबर हो चुके। बेरोजगारी इतनी होगी कि घर का खर्चा, कम से कम 20 बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं, आवेदन कर रहे हैं। जी जी, ग्राम जुनेदपुर में पहले 20 कार्ड थे जो मजदूर थे कार्य करते थे, अब वर्तमान में हम 33 लोग अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और जो इस गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो एमए हैं बीएड हैं वो लोग भी अपना जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं यहां पे। और हम लोग सरकार की जो हम लोग नुमाइंदे हैं, हम लोग जो योजना चला रहे हैं उसमें मनरेगा का अहम योगदान है, क्योंकि मनरेगा से मजदूरों को सीधी सीधे उनके खाते में पैसा पहुँचता है। और हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, क्योंकि लॉकडाउन में सामान्य रूप से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इसी को पटरी पर लाने के लिए हमें जो मजदूरों को रोजगार देने के लिए बहुत बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। और जो प्रधान इसमें ग्राम प्रधान जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, और जो अभी और आवेदन आने की आवश्यकता है, लगभग 100-150 व्यक्ति जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं और उन्हें शीघ्र ही रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मनरेगा में एक विशेष जो जिम्मेवारी है मजदूरों को सहसमय वेतन भुगतान की है, मानदेय उनको मिल जाए, उनको मजदूरी उनको मिल जाए, ये मेरा सबसे बड़ा टास्क है। हमारी इस पड़ताल में साफ हो गया कि शहरों से पलायन कर गए कितने ही शिक्षित बेरोजगारों को भी मनरेगा की 200 से 250 रुपए तक मिलने वाली दिहाड़ी के भरोसे ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। जबकि हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लॉकडाउन 5 से अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहे देश में फिलहाल पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भी मनरेगा के तहत मजदूरी करने को बढ़ चढ़ कर आवेदन कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।